हादसात और जानलेवा वाकयात अचानक रोनमा होते हैं, लेकिन कोई भी इनकी पेशगोई नहीं कर सकता। हमने आपके लिए दुनिया के मशहूर हादसात से कबल की तस्वीर नोट की हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि तूफान से पहले समंदर कितना खामोश था। तहम इनमें से कई तस्वीर बहुत मशहूर भी हैं और खुद अपने आप में एक नई दास्तान बताती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमें गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी जो फ्यूचर वीडियो आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1978, इस तस्वीर में साउथ वेस्ट एयरलाइन का एक त्यारा हादसे के बाद ज़मीन का रुख कर रहा है, आप फोटो में देख सकते हैं। इस तस्वीर में आपको एक लाल रंग की सुर्ख कार नज़र आ रही होगी। इस तस्वीर के चंद लम्हे बाद बारूद भरी इस कार में धमाका हुआ था, जिसमें 29 अफराद हलाक और 220 अफराद जख्मी हुए थे। ये धमाका आयरलैंड के शहर उमाग में हुआ था और ये वाकया उमाग धमाके के नाम से भी मशहूर है। इस तस्वीर में मौजूद बच्चा और उसके वालिद बच गए थे, तहम फोटोग्राफर हलाक हो गया था। सिडनी से जापान जाने वाली फ़्लाइट में एक लड़के ने हवाई जहाज़ की पहियों में छुपने की कोशिश की। इस बच्चे का नाम काइथ सेप्सफोर्ड था। इस दौरान एक शौकिया फोटोग्राफर अपना नया कैमरा चेक कर रहा था कि उसने ना चाहते हुए भी ये मंजर कैप्चर कर लिया, जिसमें काइथ को 200 फुट बुलंदी से गिरते हुए देखा जा सकता है और गिरते ही उसकी मौत वाकया हो गई। बीस अप्रैल 1999 में कोलमिया के एक हाई स्कूल में फायरिंग असलों और बमों से मंजम हमला किया गया था। तस्वीर में एक उस्ताद विलियम डेव सैंडर्स 100 से ज़्यादा बच्चों को कैफेटेरिया से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर के फौरी बाद उनके सीने पर 2 गोलियां लगी और वो मौके पर ही जान से हाथ धो बैठे। इस तस्वीर में एक प्रोफेशनल स्टंट और जेट स्की के मायर रॉबर्ट ओवर क्रेकर 1995 में गरीब और बेघर अफराद के लिए नियाग्रा आबशार से छलांग लगाने का मज़ारा कर रहे हैं, जिसकी ये आखिरी तस्वीर है। लेकिन अफसोस कि इसका पैरा शूट ना खुल सका और वो मौत का शिकार हो गए। मशहूर स्कूबा डाइवर निकोलस म्योवली ने आखिरी फोरी डाइविंग, जिसमें इसने 236 फुट गहराई में जाने की कोशिश की थी, वो कामयाब से इस गहराई तक पहुंचा, वापस आया और बोलने की कोशिश की थी कि बेहोश हो गया और इसी दौरान उसका इंतकाल हो गया। जंगली रीच की ये तस्वीर न्यू जर्सी के बाशिंदे वेस्ट मिलफोर्ड ने खींची थी। इत्तफाक है कि तस्वीर लेने के बाद ही इस रीच ने मिलफोर्ड पर हमला करके उसे हलाक कर दिया। इस तस्वीर को गौर से देखें, जिसमें एक खानदान नियाग्रा आबशार के पास यादगार तस्वीर ले रहा है। तस्वीर में सुर्ख लिबास पहनी एक लड़की आबशार के पास खड़ी है। अगले ही लम्हे 20 साल लड़की ने आबशार में छलांग लगाकर खुद को हलाक कर दिया। ये तस्वीर प्योल केशन की है, जो पार्क का कर्तव्य दिखाने का माहिर है। इस तस्वीर में वो एक दीवार से पुश्त की जानिब चुस्त भर रहा है, लेकिन तवाजुन खोने के बिना पर वो फर्श पर जाग रहा था और लुकमायाजल बन गया था।